गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज फॉर वैदिक मैथमेटिक्स. आज हम लोग एक्सरसाइज फॉर वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. बच्चों, ये वैदिक मैथ जो कॉन्सेप्ट है अपना, वो आपके लिए बिल्कुल ही नया है. इससे पहले आपने इसके बारे में बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, तो आप थोड़ा सा अपने इस एक्सरसाइज पे फोकस कीजिएगा. आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. इस चैप्टर में हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे. एकाधिक, एकान्यून, एकाधिकेन पूर्वेण, एकान्यून पूर्वेण, फ्रेंडली नंबर और निखिलम सूत्र. तो अपन इन सब 6 टॉपिक हैं, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वैदिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4. सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं एकाधिक. एकाधिक, एकाधिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एकाधिक. यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं यहाँ पे, तो एकाधिक, एक प्लस अधिक. देखो, एक प्लस अधिक, नाम से ही पता चल रहा है कि एक प्लस अधिक, जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर में एक प्लस कर दीजिए, मतलब वन प्लस कर दीजिए. एक अधिक वन प्लस, एक का मतलब होता है वन, तो वन अधिक वन उसमें आप ऐड कर दीजिए. किसी भी नंबर को अधिक बनाने के लिए उसमें अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो एक अधिक, एक का अधिक पता चल गया. और इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है तो उसमें डॉट, डॉट मेथड इसमें चलता है. जैसे किसी भी नंबर के ऊपर यहाँ पे डॉट लग गया, जैसे नंबर लेते हैं अपन 4, 4 के ऊपर अपन ने यहाँ डॉट डाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस डॉट का मतलब होता है जिस नंबर के ऊपर डॉट लगा है उसके अंदर आप क्या कर दोगे, वन प्लस कर दोगे. तो यहाँ करते हैं इसको 4 + 1 = 5. 4 का वन अधिक करना, आपको 4 का एक अधिक करना है, तो 4 + 1 जिस नंबर के ऊपर डॉट है उसमें आप वन प्लस कर दीजिए. जैसे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7 का आपको एक अधिक नंबर फाइंड करना है, तो 7 के ऊपर डॉट लगी है, तो 7 + 1 = 8. इसका एक अधिक हो गया है 8, एक अधिक नंबर जो है वो क्या हो गया, 8. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 9 पे डॉट लगा, तो 9 + 1 = 10. 9 का एक अधिक हो गया 10. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे 28, और 28 के अंदर यहाँ पे डॉट डला है आपका 2 के ऊपर, अबव 2. तो क्या करेंगे अपन, जिस नंबर, आपको यही देखना है कि किस नंबर के ऊपर डॉट लगा है उसी में आप 1 प्लस कर दीजिए. जैसे इसमें 2 के ऊपर आपके पास डॉट लगा है, तो 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3. और जो 8 है वो सेम वैसे ही रख दो, जिस भी नंबर पे है उसी में करना है और किसी के साथ आपको ऐड नहीं करना है. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 437 है, और जिसमें आपका डॉट मेथड जो है वो क्या है, 3 के ऊपर लगा है यहाँ पे. तो जिस नंबर के ऊपर आपके पास डॉट है उसी में 1 प्लस करना है. जैसे 3, और 3 में 1 प्लस किया तो क्या हो गया भाई, 4 हो गया यहाँ पे. ओके, तो अपना आगे पीछे के जो नंबर हैं वो सेम ही रहेंगे, अपना नंबर क्या बनेगा यहाँ, 447. चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 204, और यहाँ इसमें भी 0 के ऊपर यहाँ डॉट डला है, तो आपको इसका 1 अधिक नंबर फाइंड करना है, एक अधिक फाइंड करना है, एक का अधिक नंबर फाइंड करना है, तो 2
क्योंकि टू के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो अपन टू में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखो जीरो का वन अधिक, जीरो में वन अधिक मतलब जीरो में वन ऐड करना है, तो जीरो प्लस वन क्या हो गया वन, और फिर आगे वाले में भी कुछ नहीं करना है क्योंकि कोई डॉट वोट नहीं डली है इसमें, तो इसका हो गया वन अधिक 214। और एग्जाम्पल लेते हैं 539, ओके इसमें लग गया डॉट यहाँ 9 के ऊपर, अब 9 के अबव यहाँ पे डॉट डला है। सोल्व करते हैं, जिसके पीछे ऊपर कोई डॉट नहीं है उनमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो 5 3 5 3 3 कर देंगे। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ 9 में 1 ऐड करना आपको, तो 10 बनेगा, लेकिन 10 बनते ही आपके पास 1 कैरी होगी, वो 1 कैरी यहाँ आपके पास 4 में ऐड हो जाएगी यहाँ, और फिर 0 का 9 का बन जाएगा यहाँ पे 0, तो इसका 1 अधिक हो गया 540। फिर और एग्जांपल लेते हैं 167, और इसमें डॉट डला है आपके 1 के अबव, ओके सॉल्व करते हैं, तो 1 के अबव उसमें डॉट है, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 हो गया 2, फिर 67, कोई चेंजमेंट नहीं करना इसमें, ये हो गया आपका 167 का 1 अधिक हो गया 267, ओके। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एकान्यून, अपना जो दूसरा वाला टॉपिक जो है वो क्या है एकान्यून। अभी अपन ने एकाधिक के बारे में पढ़ा था, अब है एकान्यून, तो क्या करेंगे इसमें भी, इसी के नाम के अंदर छुपा हुआ है एकान्यून, मतलब एका मतलब एक, संधि विच्छेद करते हैं, एक प्लस न्यून, न्यून का मतलब हिंदी में होता है कम, न्यून का मतलब क्या होता है हिंदी में कम होता है, तो एक कम, एक न्यून, एक न्यून मतलब वन लेस, एक न्यून मतलब एक कम, कोई भी नंबर जिस भी नंबर के नीचे, देखो एक बात और बताऊं यहाँ पे मैं आपको, एकाधिक में आपकी डॉट है वो किसी भी नंबर के अबव मिलेगी, और न्यून के अंदर आपको डॉट है वो नीचे लगेगी आपकी डॉट, ओके तो ये ध्यान में रखना है, जिसके नीचे लगी है वहाँ पे आपको एकान्यून करना है, और जिसके ऊपर डॉट डली है वहाँ एकाधिक करना है, ओके तो एक प्लस न्यून मतलब जो भी नंबर दिया गया है जिस भी डॉट के ऊपर, डॉट से जिस भी नंबर के नीचे डॉट होगी उस नंबर से आपको क्या करना है वन लेस करना है, वन न्यून करना है, वन कम करना है, ओके तो लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे अपन 5, और 5 के अब की बार डॉट जो है वो बिलो नीचे लगेंगी, डाउन साइड में आपके डॉट डलेगी, तो 5 के नीचे यहाँ पे डॉट है तो आपको न्यून करना है, 5 न्यून के लिए लेस के लिए आपको 1 माइनस करना पड़ेगा, 5 - 1 = 4। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 7 - 1 = 6। नेक्स्ट और एग्जांपल अपना 9 - 1 = 8। अनदर एग्जांपल 1 4, और यहाँ पे डॉट डली जो है वो आपके अबव ऑफ 4, 4 के नीचे है, तो आपको जिस भी नंबर के नीचे डॉट है उसमें से आपको 1 लेस करना है, तो 1 और फिर 4 - 1 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3, तो इसका एकान्यून नंबर हो गया है 13। नेक्स्ट एग्जांपल 234, और एकान्यून जो डॉट डली है वो आपके अबव ऑफ 3 के नीचे है, तो अपन क्या करेंगे जो भी नंबर के नीचे है उसी में से आपको लेस करना है और बाकी में कुछ भी नहीं करना है, तो 2 अब क्या करेंगे 3 - 1 = 2 एंड 4,
आपका एक का न्यू नंबर हो गया इसमें 224। नेक्स्ट और एग्जांपल 571। और इसमें आपके डॉट जो डॉट पॉइंट है वो यहाँ 5 से बिलो है, तो 5 माइनस 5 के नीचे, इसका मतलब 5 से 1 लेस करना है। 5 माइनस 1 इक्वल 4, 71। इसका एक का न्यून नंबर हो गया 471। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल 837, डॉट पॉइंट अबव 7, सो वी राइट 83 एंड 7 माइनस 1 इक्वल 6। अपना यहाँ पे जो 837 का एक का न्यू नंबर जो है वो है 836। नेक्स्ट टेक अनदर एग्जांपल 324, द डॉट पॉइंट अबव 2, 3 2 माइनस 1 1 4। इसका आपका 324 का एका न्यून जो है वो यहाँ पे हो गया है 314। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, इसमें भी नाम के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा। एकाधिक, एकाधिक का तो मतलब वही हो गया एक प्लस अधिक, और पूर्वेण, पूर्वेण का मतलब हिंदी में होता है पूर्व, मतलब पहले। जो भी नंबर, जिस भी नंबर के नीचे डॉट होगा उस नंबर से पूर्व, उस नंबर से पहले, बिफोर, आपको क्या करना होगा, एक अधिक करना होगा, मतलब 1+ करना होगा। जिस नंबर, जिस डॉट के, जिस भी नंबर के अबव डॉट मिलेगी उससे पहले वाले नंबर में आपको 1+ करना है। ये है एकाधिकेन पूर्वेण, वी एड 1+ द नंबर of before whose above dot point, okay? तो अपन जिस भी नंबर के ऊपर डॉट पॉइंट होगा उससे पूर्व वाले नंबर में क्या करेंगे अपन, 1 ऐड करेंगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7, फाइंड द एकाधिकेन पूर्वेण नंबर ऑफ 7। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, फाइंड द एकाधिकेन एकाधिकेन पूर्वेण नंबर ऑफ 7, 7 का एकाधिकेन पूर्वेण नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको 7 का पूर्वेण नंबर फाइंड करना है आपको, तो इसमें डॉट 7 पे नहीं डलेगी, आपको डॉट कहाँ लगेगी, इसमें पूर्वेण, पूर्वेण नंबर पे डॉट डालना है, 7 पे डॉट नहीं डलेगी। तो 7 पे डॉट नहीं डालेंगे, और पूर्वेण, इसके पूर्व तो आप बोलोगे कोई नंबर है ही नहीं, इससे पहले बेटा कुछ भी नंबर नहीं होता है, तो वहाँ पे अपन 0 तो रहता ही है, अनविजुअली है ये, अपने को दिखाई नहीं देता है, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वो 0 लेते हैं। अब 0 के अबव आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट पॉइंट डालना है, ओके? फिर क्या करेंगे, 0+1 हो जाएगा यहाँ पे, 0+1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2, और आगे वाला जो नंबर है वो सेम वैसे के वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे इसका 7 का एकाधिकेन पूर्वेण नंबर क्या हो गया आपके पास, 27। 1+ कर दिया आपने पूर्व नंबर के अंदर, ओके? नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लेते हैं, 3, फाइंड द एकाधिकेन पूर्वेण नंबर ऑफ 3। तो वही 3 पे डॉट पॉइंट नहीं डालना आपको, डॉट नहीं डालना है, पूर्व नंबर पे, पूर्वेण नंबर पे आपको क्या करना है, डॉट डालना है। तो वही, यहाँ पे कोई पूर्व नंबर नहीं है, तो अपन 0 लेते हैं और फिर इसके ऊपर डॉट डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0+1 इक्वल 1, और फिर आगे जो 3 है वो यहाँ पे रख देंगे, तो इसका अपना एकाधिकेन पूर्वेण नंबर जो है वो क्या हो गया, 13 हो गया है। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल 3, 4, और इसमें आपको डॉट मिला है 3, 4 के ऊपर, यहाँ इसमें 4 के ऊपर डॉट है, ओके? तो आपको क्या करना है,
एकाधिकेन करना है, जो भी नंबर एकाधिकेन पूर्वेण, तो जिस नंबर के ऊपर डॉट है उससे पहले वाले नंबर पे आपको क्या करना है, इसमें आपको डॉट मिला है फोर से अबव, तो इससे पहले वाले नंबर में आपको क्या करना है, वन प्लस करना है, तो थ्री प्लस वन हो जाएगा फोर, थ्री प्लस वन फोर, और फोर जो है वो वैसे के वैसे रह जाएगा। तो इसका हो गया 34 का एकाधिकेन पूर्वेण नंबर हो गया 44। नेक्स्ट वी टेक अनदर एग्जांपल, 413, और यहाँ इसमें डॉट डला है अबव वन। ओके, इसका एकाधिकेन पूर्वेण नंबर आपको फाइंड करना है, तो जहाँ पे डॉट है उससे पहले वाले में आपको क्या करना है, वन प्लस करना है, वन प्लस क्या हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव, वन थ्री, ये हो गया आपका 513। नेक्स्ट 19, और इसमें आपको 9 का पूर्वेण नंबर आपको फाइंड करना है, 9 का पूर्वेण नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे, इसमें यहाँ आपके पास पूर्वेण नंबर है 9, पूर्वेण ऑफ नाइन है 1, तो 1 प्लस करोगे तो आप 1 प्लस 1 इक्वल 2, और 9 वैसे के वैसे रख देंगे। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, 27, पूर्वेण ऑफ 7, 7 का पूर्वेण लेना है आपको, 7 का पूर्वेण है 1, और फिर 2 प्लस 1 करोगे तो आप हो जाएगा यहाँ पे 3, और फिर 7, 27 का पूर्वेण हो गया 37। नेक्स्ट चलते हैं एकान्यून पूर्वेण की तरफ। एकान्यून पूर्वेण क्या है, वो ही एकान्यून का मतलब एक कम पूर्वेण, मतलब पहले वाले नंबर में जो भी नंबर दिया गया है आपको पूर्वेण और पूछा जाएगा, उस नंबर में आपको क्या करना है, वन न्यून करना है, वन लेस करना है उसके अंदर। तो चलो एग्जांपल लेते हैं अपना, जैसे 23, और 23 में क्वेश्चन आपको बोलेगा पूर्वेण ऑफ 3, पूर्वेण ऑफ 3, तो 3 का पूर्वेण क्या है 2, और 2 से आपको एक का न्यून करना है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 जो है वो वैसे के वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 64, इसमें आपके पास पूर्वेण ऑफ है 4, मतलब 4 का पूर्वेण आपके पास है 5 माइनस 4 का पूर्वेण है 6, तो 6 माइनस 1 इक्वल 5, और फिर 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 159, इसमें आपको पूर्वेण ऑफ 9 फाइंड करना है, तो 9 का पूर्वेण है आपके पास 5, तो 1, और फिर 5 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, 149 इसका एकान्यून पूर्वेण नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 369, इसमें नंबर आपके पास 369 है, पूर्वेण ऑफ 9 आपको फाइंड करना है, पूर्वेण ऑफ 9 इसमें है 6, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 5, और 359 आपका एकान्यून पूर्वेण नंबर ये आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 764, इसमें आपको पूर्वेण ऑफ सिक्स, इसका मतलब 6 का पूर्वेण है 7, इसमें आपको क्या करना है, 1 लेस करना है, 7 माइनस 1 इक्वल 6, 6 6 4, ये इसका एकान्यून पूर्वेण नंबर हो गया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, 813, इसमें आपको पूर्वेण ऑफ 3 फाइंड करना है, पूर्वेण ऑफ 3, तो
एट और वन में से वन लेस करते हैं तो जीरो, थ्री आपका नंबर हो गया, एकानिन पूर्वे नंबर हो गया 803। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है परम मित्र, परम मित्र या फिर फ्रेंडली नंबर। फ्रेंडली नंबर, ये फ्रेंडली नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो भी अब हम जानेंगे। यहाँ पे कैसे फ्रेंडली नंबर फाइंड किया जाता है, तो फ्रेंडली नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, वन से लेके और नाइन तक की डिजिट दी गई होंगी और उसमें आपको क्या करना होगा, टेन बनाने के लिए आप उसमें कितना ऐड करते हो, मतलब आपको उस नंबर को टेन बनाना है तो उसमें उसके साथ आप कितना नंबर ऐड करते हो टेन बनाने के लिए, वो ही नंबर उस नंबर का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली नंबर हो जाएगा। जैसे अपन कोई नंबर लेते हैं थ्री, ठीक है, फिर थ्री को आप, थ्री का आपको फ्रेंडली नंबर फाइंड करना है तो थ्री को क्या करेंगे अपन, थ्री टेन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, टेन माइनस थ्री इक्वल कितना हो जाएगा, सेवन। तो इसमें थ्री का फ्रेंडली नंबर कौन है, सेवन, द फ्रेंडली नंबर ऑफ थ्री इज सेवन। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एट, तो टेन माइनस एट इक्वल टू, द फ्रेंडली नंबर ऑफ एट इक्वल टू, एट का फ्रेंडली नंबर कौन है, टू। नेक्स्ट फोर क्या करेंगे, टेन माइनस फोर इक्वल सिक्स, द फ्रेंडली नंबर ऑफ फोर इज सिक्स, फोर का फ्रेंडली नंबर कौन है, सिक्स। नेक्स्ट फाइव, फाइंड द फ्रेंडली नंबर ऑफ फाइव, टेन माइनस फाइव इक्वल फाइव, फाइव का फ्रेंडली नंबर फाइव। नेक्स्ट वन, फाइंड द फ्रेंडली नंबर ऑफ वन, तो टेन माइनस वन इक्वल नाइन, द फ्रेंडली नंबर ऑफ वन इज नाइन, वन का फ्रेंडली नंबर है नाइन। थ्री का फ्रेंडली नंबर हो गया सेवन, एट का टू हो गया, फोर का सिक्स हो गया, और जैसे अपन लेते हैं सिक्स, तो सिक्स का आपको यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टेन माइनस सिक्स इक्वल फोर, तो यहाँ सिक्स का फ्रेंडली नंबर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। वन का नाइन हो जाएगा, नाइन का वन हो जाएगा, फाइव का फाइव हो जाएगा, सिक्स का फोर, एट का टू, मतलब जिस भी नंबर का आपको फ्रेंडली नंबर फाइंड करना है उसको टेन से लेस कर दीजिए। ओके, चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एकानून पूर्वे एंड परम मित्र फ्रेंडली नंबर सूत्र। आपको क्या करना है, एकान्यून पूर्वेण परम मित्र के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सोल्व करना है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 82 माइनस 54, इसको आपको एकान्यून पूर्वेण के अकॉर्डिंग आपको इसका सब्ट्रैक्शन सोल्व करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन राइट हैंड साइड वंस प्लेस की तरफ से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए, यदि बड़ा नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, फ्रेंडली नंबर फाइंड करना होगा। देखो यहाँ पे ऊपर वाला अबव नंबर जो है आपका स्मॉल है, और जब भी ऊपर वाला नंबर आपका स्मॉल होता है तो आप क्या करोगे, फ्रेंडली नंबर फाइंड करोगे। तो यहाँ फोर का फ्रेंडली नंबर कौन है, फोर का फ्रेंडली नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, टेन माइनस फोर इक्वल क्या हो जाएगा, सिक्स। तो यहाँ इसका फोर का फ्रेंडली नंबर कौन है, सिक्स। तो जब आपका फ्रेंडली नंबर आपको मिल जाता है तो अबव नंबर उसमें आप फिर ऐड कर दीजिए, तो सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा, एट, यहाँ पे आ जाएगा एट। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे अपन यहाँ पे कर रहे हैं एका न्यून पूर्वेण के अकॉर्डिंग, तो न्यून पूर्वेण करना है तो आपको इस, आपने यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड किया था तो यहाँ पे एका न्यून, न्यून करने के लिए आपको डॉट पॉइंट जो है वो नीचे डालना होगा एट से, यहाँ एट के नीचे आपने पॉइंट डाल दिया है।
तो यहाँ न्यून करने के लिए आप क्या करोगे, आप 8 माइनस 1, एक का न्यून, 8 का एक का न्यून होता है 7, 7 माइनस 5 इक्वल 2। तो यहाँ पे आपके पास जो आपका सब्ट्रैक्ट जो हुआ है, सॉल्व डिफरेंस जो आया, वो आपका हो गया 28। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। 66 माइनस 48, एक का न्यून पूर्वण के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है सब्ट्रैक्ट। तो वो ही आपको यहाँ ऊपर वाला नंबर यदि ग्रेटर होता है तो आपको फ्रेंडली नंबर फाइंड करना नहीं, लेकिन आपका अबव नंबर जो है वो क्या है, यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल है, तो आपको नीचे वाले नंबर में आपको क्या करना होगा, उसका फ्रेंडली नंबर फाइंड करना होगा। अब 8 का फ्रेंडली नंबर फाइंड करेंगे तो 10 माइनस 8 इक्वल कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ 8 का जो फ्रेंडली नंबर कौन है, 2। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 और फिर अबव नंबर में ऐड कर दीजिए उसको, 6 प्लस 2 8। अब आपने यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड किया था तो एक का न्यून पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पे एक का न्यून पॉइंट डाल दिया तो 6 माइनस 1 हो गया है 5, 5 माइनस 4 इक्वल 1। यहाँ आपका आंसर जो डिफरेंस जो है वो आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 74 माइनस 69, अबव नंबर आपका स्मॉल है तो फिर क्या करोगे, आप फाइंड कर लो यहाँ पे फ्रेंडली नंबर। तो 9 का फ्रेंडली नंबर क्या है, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 इक्वल 1। यहाँ पे 9 का फ्रेंडली नंबर 1 और 1 प्लस 4 यदि आप करते हो तो हो जाएगा 5। और फिर आपने यहाँ पे एक फ्रेंडली नंबर फाइंड किया था तो एक का न्यून पॉइंट डाल दीजिए, 7 माइनस 1 इक्वल 6, और 6 माइनस 6 करते हो तो 0। यहाँ इसका आंसर हो गया आपके पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 342 माइनस 143, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या करेंगे, अबव नंबर स्मॉल है, अबव नंबर स्मॉल है तो आपको फ्रेंडली नंबर फाइंड करना पड़ेगा, और फ्रेंडली नंबर आप यहाँ पे आपके पास 3 है तो 3 का फ्रेंडली नंबर हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल 7। अब क्या करना है, 7 प्लस 2 करना आपको, 7 प्लस 2 इक्वल 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। और फिर इसने यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड किया था तो एक का न्यून पॉइंट डाल दीजिए, यहाँ पे डाला पॉइंट तो 4 माइनस 1 किया तो हो गया 3, और 3 माइनस 4 होता नहीं है तो फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड करना पड़ेगा। 4 का फ्रेंडली नंबर है 10 माइनस 4 इक्वल 6, यहाँ इसका फ्रेंडली नंबर है 6 और यहाँ पे आपका बन गया था 3, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। फिर आपने फ्रेंडली नंबर डाला था तो यहाँ पे फिर से एक का न्यून पॉइंट डाल दीजिए और 3 माइनस 1 इक्वल 2, और फिर 2 माइनस 1 1। इस प्रकार आपके पास जो डिफरेंस आपको मिला है वो है 199। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 524 माइनस 267। अबाव नंबर आपका क्या है, स्मॉल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड करेंगे तो 7 का फ्रेंडली नंबर 10 माइनस 7 इक्वल कितना हो जाएगा, 3। ये मैं यहाँ पे रफ करके देख रही हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप भी ये आप रफ में कर सकते हो, या फिर यदि आप हॉरिजेंटली यदि आप सोल्व कर सकते हो तो वैसे सोल्व कर लेना, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ 7 का फ्रेंडली नंबर आपको कितना मिला है, 3, 3 अबव नंबर के साथ ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4 इक्वल 7। आपने फ्रेंडली नंबर फाइंड किया था तो एक का न्यून डॉट डाल दीजिए, अब यहाँ पे एक का न्यून किया तो ये हो गया 1, 2 माइनस 1 इक्वल 1 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस 6 करोगे तो फिर से आपका अबव नंबर स्मॉल हो रहा है, फिर से आप 6 का फ्रेंडली नंबर फाइंड कर लीजिए, और 6 का फ्रेंडली नंबर होता है 4, 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 का फ्रेंडली नंबर हुआ 4,
और यहाँ पे आपके पास वन है तो वन प्लस फोर हो जाएगा फाइव। आपने यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड किया था तो डॉट पॉइंट डाल दीजिए और फिर ये बन जाएगा फोर और फोर माइनस टू इक्वल टू। आपको यहाँ पे फ्रेंडली नंबर तभी फाइंड करना होता है जब अबव नंबर है वो स्मॉल होता है। यदि आप फ्रेंडली नंबर फाइंड नहीं करते हो तो आपको डॉट पॉइंट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, डॉट डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फ्रेंडली नंबर फाइंड करते हो तो आपको डॉट जो है वो डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, 945 माइनस 876 सोल्व करते हैं। अबव नंबर स्मॉल है तो आपको फ्रेंडली नंबर फाइंड करना पड़ेगा। सिक्स का फ्रेंडली नंबर होता है फोर, फोर प्लस फाइव इक्वल हो जाएगा नाइन। आपने फ्रेंडली नंबर फाइंड किया तो डॉट डाल दीजिए। अब डॉट डाला, एक का न्यून हो गया, ये एक का न्यून हो गया है तो यहाँ पे बन गया फोर माइनस वन इक्वल थ्री हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। आपको यदि समझ नहीं आता हो तो एक बार आप सर्किल के अंदर ऐसे छोटा सा डाल भी सकते हो और बाद में उसको इरेज कर देना। तो ये बन गया, अब आपका थ्री फोर नहीं है, ये थ्री हो गया है। अब थ्री माइनस सेवन करते हो तो फिर आपका अबव नंबर जो है वो स्मॉल हो गया। तो इस फिर से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंडली नंबर फाइंड करेंगे सेवन का, और सेवन का फ्रेंडली नंबर होता है थ्री, मतलब सेवन प्लस थ्री इक्वल टेन बनता है। सेवन इसका फ्रेंडली नंबर हो गया यहाँ पे थ्री, और थ्री के साथ अबव नंबर को ऐड कर दीजिए, थ्री प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स। और फिर आपने फ्रेंडली नंबर फाइंड किया तो डॉट डाल दीजिए यहाँ पे, और फिर ये हो जाएगा एट, एट माइनस एट इक्वल जीरो। तो आपका जो डिफरेंस जो यहाँ पे आया है वो है 69। हाँ तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व कर लेना, और कहीं आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय।